गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एटॉमिक हैबिट्स। या सो विल बी डिस्कसिंग द समरी ऑफ एटॉमिक हैबिट्स, अ वेरी फेमस बुक बाय जेम्स क्लियर। सो वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन वेर we discuss about a very wonderful book, very widely read across, known as Atomic Habits. Correct. So let's start with the discussion. Let's get a review of it. What exactly is a summary? What are the pick points, major pick points? What are the things we'll discuss one by one? So sabse pehla we'll start with the title of the book. So the title of the book is Atomic Habits. If you see the word atomic, that word comes from the word atom. Atom matlab very very small, very very minute particle, chota ekdam small, okay, that is atom. Fine. And atom ka speciality kya hai, not only it is very small but it is very energetic, very powerful, very powerful. It has a lot of energy in it. But everybody is made of atoms, we know that. Correct. Habits. Abhi dusra part is habits. Now what exactly is habit? To talk about it, habit is like nicely described in the book. Habit is something which you do it without any thought, you know. It's a natural, spontaneous. Jaisa bolta na, natural hai, spontaneous hai, automatic hai. Uske liye koi dimag nahi lagana padta. There is no processing time. Ki nahi nahi ye soch ke aisa humne kiya. That is the habit part of it. So, इसलिए बुक का टाइटल एटॉमिक हैबिट्स, स्मॉल वंस, वेरी पावरफुल वंस, एंड दैट विल बिकम योर सिस्टम, दैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, एंड दैट विल ब्रिंग इन ट्रिमेंडस चेंजेस। करेक्ट। सो दैट इज अ होल, दैट इज अ बेसिक टाइटल ऑफ द बुक। अभी यहां पर आप देखोगे कि ये कैसे करना चाहिए, हाउ एग्जैक्टली दिस हैबिट्स आर फॉर्म्ड। फॉर दैट व्हाट दे आर सेइंग इज, इन दैट बुक वेरी क्लियरली इट्स रिटन कि नंबर वन, सबसे पहला जो है कि व्हेन वी आर सेइंग हैबिट इज टू बी फॉर्म्ड, सो दे आर सेइंग नो नीड ऑफ डूइंग वेरी बिग थिंग्स, स्टार्ट विथ वेरी स्मॉल। इसलिए नाम ही एटॉमिक, स्मॉल, वेरी माइन्यूट, वेरी स्मॉल चेंजेस विच इज टू बी डन ओवर अ लॉन्ग, मतलब ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड द इफेक्ट, द क्यूमुलेटिव इफेक्ट इज ह्यूज। इसलिए उनका सबसे पहला फंडामेंटल पार्ट इज, दे आर सेइंग अ टाइनी चेंज मेक्स अ बिग डिफरेंस। इसलिए बहुत बढ़िया सा एग्जांपल देते हैं कि भाई हर दिन आप 1% चेंज करो, तो 1% आप करते जाओगे तो पूरा साल में यू विल फाइंड दैट इट हैज बिकम रफली 1% कर दो पूरा साल, दैट इज 367 हो जाएगा। करेक्ट। सो दैट्स अ ह्यूज, दैट इज समथिंग लाइक big amount of change which is happening in a period of one particular year. Correct. One, that is a very very important aspect of it which is covered in that. And dusra hum dekhenge to wo log bol rahe ki how do you change your habits, how habits and your identity are interlinked. Now habit and identity, they are saying it is interlinked, matlab they are saying habit jo hai वो आपका आइडेंटिटी बन जाता है, और आपका जो आइडेंटिटी है वो आपका हैबिट हो जाता है। करेक्ट नो। लाइक फॉर एग्जांपल सम इंडिविजुअल, सम फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी आपके सर्कल में है, यू फाइंड दैट सम ऑफ देम हैव, यू एसोसिएट देम बाय सेइंग कि यस दे आर ऑन टाइम। अभी सिंपल सा बात है, ऑन टाइम, सो दैट बिकम्स अ, मतलब बीइंग ऑन टाइम उनका हैबिट भी है और वो धीरे धीरे उनका आइडेंटिटी बन जाता है, या वो जो आइडेंटिटी है उनका हैबिट बन गया, मतलब एकदम इंटरलिंक्ड पार्ट है। करेक्ट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग कि आपका जो हैबिट आप डेवलप करते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट स्लोली 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 बिकम्स योर आइडेंटिटी। इसलिए वो क्या बोल रहे हैं ये पर्टिकुलर किताब में कि नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि कुछ गोल सेट कर लिया, करेक्ट, या गोल सेट कर लिया, टारगेट सेट कर लिया, बोलते उससे अच्छा आप ये काम करो ना, यू पिक थिंग्स विच यू वॉन्ट टू मेक योर
identity which you want to make your belief, which you want to project as yourself. मतलब वहां से आप शुरू करो, पिक करो, एंड देन फॉर दैट व्हाटएवर स्टेप्स आर रिक्वायर्ड यू डू वन बाय वन, आपका गोल्स एंड टारगेट ऑटोमेटिकली रीच हो जाएगा एंड उसका इम्पैक्ट जो है दैट विल ऑल्सो बी वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, वेरी वेरी बिग टाइम. अच्छा, दूसरा जो बात है, द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज डिस्कस्ड इन द बुक इज हाउ टू बिल्ड हैबिट्स, बेटर हैबिट्स इन सिंपल स्टेप्स. मतलब बोलते छोटे छोटे स्टेप्स हैं, चार स्टेप्स दिया हुआ है यहाँ पर, वो चार स्टेप्स आप फॉलो करो एंड दे आर सेइंग अ हैबिट कैन बी डेवलप्ड. एंड अनदर वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट इज, वो ऐसा नहीं बोलते कि हैबिट डेवलप हो गया तो खत्म हो गया, स्टोरी इज ओवर. नहीं, इट इज अ साइकिल. नो, एक हैबिट डेवलप हो गया, यू पिक द नेक्स्ट वन, यू पिक द नेक्स्ट वन, यू पिक द नेक्स्ट वन, देन दैट इज अ होल थिंग. मतलब बोलते ना कंटिन्यूअस साइकिल है, कंटिन्यूअस फ्लो है. इसलिए बहुत बढ़िया सा स्टेप दिया हुआ है, फोर स्टेप्स आर गिवन. फर्स्ट इज दे आर सेइंग इट हैज टू बी नोटिस्ड. फर्स्ट इज दैट अवेयरनेस कि ये पर्टिकुलर हैबिट या ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, ये पर्टिकुलर तकलीफ है, वो मुझे चेंज करना है. करेक्ट. लाइक फॉर एग्जाम्पल, बहुत मतलब कॉमन एग्जाम्पल है, लाइक एक्सरसाइज नहीं करते हम. तो इफ यू आर नॉट डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली, और इफ यू डोंट हैव ए हैबिट ऑफ रीडिंग रेगुलरली, करेक्ट, और यू डोंट हैव एन हैबिट ऑफ अपग्रेडिंग रेगुलरली, और देयर इज सम बैड हैबिट ऑफ यू कैन से ईटिंग जंक फूड, करेक्ट. तो फर्स्ट स्टेप दे आर सेइंग इज क्रिएट दैट लेवल ऑफ अवेयरनेस. यस, ये आई एम ईटिंग जंक फूड, और आई एम नॉट एक्सरसाइजिंग, और आई एम नॉट टेकिंग आउट टाइम फॉर रीडिंग, आई एम नॉट टेकिंग आउट टाइम फॉर अपग्रेडेशन. बोलते सबसे पहला आप उसको नोटिस करो, उसका अवेयरनेस क्रिएट करो, दैट इज द फर्स्ट थिंग. करेक्ट. अच्छा, दूसरा जो बात है, दैट इज स्टेप वन. पहला आपने अवेयरनेस कर लिया, आपने नोटिस कर लिया, अवेयरनेस एंड नोटिस कर लिया आपने, देन दे आर सेइंग प्लीज रिकॉर्ड इट. बोले सब कुछ लिखा में कर दो भाई, राइट इट. यस, नंबर वन, दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज अ प्रॉब्लम. लाइक एज आई सेड, प्रॉब्लम नॉट एक्सरसाइजिंग, प्रॉब्लम नॉट अपग्रेडेशन, प्रॉब्लम नॉट रीडिंग, प्रॉब्लम नॉट रीडिंग रेगुलरली, या नॉट रीडिंग कंसिस्टेंटली, नॉट, दैट इज व्हाटएवर इज द प्रॉब्लम यू आइडेंटिफाइड. करेक्ट, दैट्स वन. एंड दूसरा जो है, द अदर पर्टिकुलर स्टेप, आफ्टर यू आइडेंटिफाइड, देन द नेक्स्ट पर्टिकुलर स्टेप इज यू ट्राई टू फाइंड आउट कि वॉट एग्जैक्टली इज द रीजन फॉर दैट. Correct. What is the reason for that? Why are you not exercising? Or why are you not upgrading? Why are you not reading? Or why are you not reading regularly? Why are you not meditating regularly? Whatever is the focus, uska reasons likho aap. Correct. Acha, theek hai. So step one, humne identify kar liya. Step two, uska reasons likh diya. Kyun nahi ho raha hai? Whatever is the reasons. Step three, then you find out, theek hai, ये है तो हाउ डू आई रेस्पॉन्ड टू इट. लाइक यू से सब समझो, ऐसे कॉमन रीजन होता है कि एक्सरसाइज नहीं कर रहे. कॉमन रीजन क्या है? द कॉमन रीजन इज से टाइम नहीं मिला मुझे. करेक्ट नो? तो यू से टाइम नहीं मिला मुझे, तो टाइम नहीं मिला मुझे, दैट इज सपोज वेरी कॉमन रीजन. तो यू फाइंड आउट ओके व्हाई देयर इज नो टाइम, व्हाई देयर इज नो टाइम, व्हाट इज द रीजन फॉर नॉट हैविंग अ टाइम. करेक्ट. सो यू मे से कि नहीं, सो क्या करना पड़ेगा आपको? पूरा शेड्यूल लिखना पड़ेगा. यू राइट फ्रॉम डे स्टार्ट डे एंड तक, भाई क्या क्या किया मैंने, कौन से जगह पर आई कुड हैव पुट माय टाइम फॉर एक्सरसाइज, आई कुड हैव पुट द टाइम फॉर रीडिंग, आई कुड हैव पुट द टाइम फॉर अपग्रेडेशन. तो वो आप पता लगा दो. करेक्ट. मतलब क्या कर रहे हैं आप? आफ्टर यू हैव लिस्टेड योर प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइड रीजन फॉर द प्रॉब्लम, यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट how to overcome that, how are you going to respond to that. Correct na? Aap uske liye respond kaisa karne wale ho? Jaise maine bola, abhi time nahi hai, to aap likh rahe ho apna schedule from the morning till end and find out ki yes, what are the things which I could have done later, or I could have postponed, or I could have shifted, or I could have delegated, jo bhi hai. तो आपने टाइम का स्पेस निकाल लिया, यू हैव फाउंड आउट द टाइम. करेक्ट. दैट इज द
response part of it. And after you have found कि yes, ये जो है ये spot पे मैं exercise कर सकता था, reading कर सकता था, वो आपने identify कर दिया, then after that you say कि yes, after exercise what is the reward you will give? क्या reward करेंगे आप? Like for example, it may be like rewarding may be like you may say yes, after I do exercise I will see I will have you can say you can reward yourself in the form of seeing social media. So I'll see Instagram for 10 minutes, or I'll see Facebook for 10 minutes, or I'll use WhatsApp for 5 minutes, or I will take rest for 10 minutes. Whatever is the motivating factor, जो भी आपका zing thing है, जो भी आपका pulling factor है, वो you find out that reward. And that reward has to be something which is very inspiring, you know. वो reward एकदम inspiring लेना चाहिए, ऐसा रखना चाहिए, yes, ये मेरे, that बोलते ना, that should create that craving in you, that should create that positive energy in you, कि नहीं मैं ये करूँगा. Correct? That is the fourth particular step. तो very connected है, देखो ना, पहला हमने awareness किया, हमने notice किया, then वो notice करने के बाद we are finding problem को notice कर लिया, we find the reasons for the problem, then we are finding how do we respond to that and how do we reward to that. Reward कैसे करना है? Correct? That is the next part of it. अभी इसके लिए वो क्या कर रहे हैं कि ये जो first step है, the step number one which we are talking about, that is noticing the particular problem जो हम बात कर रहे हैं, तो उसमें they are saying first is make it very very obvious. बोलते हैं make it very very obvious. What is the meaning make it very very obvious? जैसे मैंने बोला लिख दो. What is the problem? Make it very clear. Clear in the written format where you are aware of what exactly is the problem. ठीक है? Awareness part of it आ गया. Clear? That's a step which is broken down further. Fine. अच्छा. Then इसके लिए उन्होंने क्या किया? What they have done is they have taken a very beautiful experiment. उसका एक base setup रखा है. They are saying एक एक्सपेरिमेंट किया हमने. वो एक्सपेरिमेंट में क्या किया, they said three groups, तीन ग्रुप रखा था. वो तीन ग्रुप में वो लोग ने बोला, एक ग्रुप को बोला देखो आप एक्सरसाइज करते हो नहीं करते हो, जस्ट ऑब्जर्व करो कि हाउ मेनी टाइम्स यू एक्सरसाइज इन अ वीक, हाउ मेनी टाइम्स यू एक्सरसाइज इन अ मंथ, ऐसा करके इसे नोट करते जाओ. दूसरा ग्रुप को बोला देखो आप नोट भी करो, साथ में आप एक मोटिवेशन टॉक्स भी देखो, मोटिवेशन लेक्चर्स भी देखो, see some videos of motivation, see some, read some books on motivating yourself for doing exercise. And third particular category था, उधर उनको बोला देखो आप क्या बोलते हैं, observe तो करोगे, motivation भी करोगे, plus you also write it down कि आप कब करोगे, कहाँ करोगे, कौन से date से करोगे और कौन से जगह पर करने वाले. So like that they said we will break in three groups. So what was found is कि जो last group है, मतलब first group को अगर देखेंगे तो only 35% of them exercised. Second group the proportion was little higher. And last group जहाँ पर there was a clarity कि कब करेंगे, कौन सा date, कौन सा location, कौन सा timing, वो जो group था, that group continued doing exercise. And 91% of them did that exercise for many many years thereafter also. Matlab, what is the summary of this? Ki write down and be very specific with your plan of date, time and location. That will train your mind to achieve that particular goal, that particular target. Clear hai tak? Anybody wants to share something? You can share from your side. Aap log ko share karna hai. Anybody wants to share or say something? You can share, say, add any questions on that. Fine. You can put your comments. We'll read that and share it with others also. The other important part is, और एक important चीज जो यहाँ पर सीखने को मिलेगा आपको इस किताब से, Atomic Habits से, they are saying
मोटिवेशन से ज्यादा द एनवायरमेंट, जो माहौल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब मोटिवेशन से ज्यादा, नहीं तो नॉर्मली क्या बोलते हैं लोग कि देश है कि नहीं नहीं वी आर नॉट वेरी मोटिवेटेड टू डू दैट, वी आर नॉट क्या बोलते वी आर नॉट सफिशियंटली दैट लेवल ऑफ मोटिवेशन इज लेस कंपेयर टू द पीपल हु आर डूइंग इट, दैट इज अ नॉर्मल रीजंस पीपल गिव, करेक्ट ना। तो वो बोलते हैं नहीं मोटिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, द एनवायरमेंट, जो माहौल में आप रहते हो ना, दैट बिकम्स वेरी वेरी क्रिटिकल। मतलब इफ यू आर इन एन एनवायरमेंट, इफ यू आर इन एन एनवायरमेंट, सपोज यू वांट टू डू एक्सरसाइज, तो यू जॉइन अ ग्रुप हु डज एक्सरसाइज रेगुलरली और अ ग्रुप वेयर डूइंग एक्सरसाइज इज नॉर्मल और वेयर रीडिंग इज नॉर्मल, वेयर अपग्रेडेशन इज नॉर्मल, वेयर डिस्कशन ऑन सर्टन, समझो आप the job you are doing is normal, correct? तो they are saying जो माहौल में आप रहते हो that particular माहौल will play a very very important role. Like for example, अभी example में जैसा वहां पर बोल रहे हैं कि जैसे junk food है, अभी junk food सामने रहेगा the temptation is more, अगर junk food सामने है ही नहीं the temptation is less. या मे बी यू डोंट हैव इट एट ऑल, अगर घर में है तो घर में जंक फूड लाते ही नहीं है, सो द कंजम्पशन इज लेस। लेकिन घर में अगर जंक फूड है और वो डाइनिंग टेबल में ही रहता है या आपका टीवी रूम में ही रहता है, आपका हॉल में ही रहता है, बेडरूम में ही रखा रहता है, देन द कंजम्पशन इज मोर, बराबर। तो ये यही कॉन्सेप्ट उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि इट इज ऑल्सो यूज इन मेनी ऑफ द स्टोर्स, कुछ कुछ स्टोर्स में आप देखेंगे the things which are kept at the eye level, उसका सेल्स ज्यादा होता है। सो जो भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स है या जो भी प्रोडक्ट जिसमें मार्जिन्स बहुत ज्यादा मिलता है, दोस प्रोडक्ट्स आर केप्ट एट द आई लेवल, सो कस्टमर्स पिक इट फास्ट, तो द स्टोर मेक्स मैक्सिमम प्रॉफिट। तो उसी तरह जंक फूड अगर नहीं खाना है तो इट हैज टू बी एट अ place, first of all, not in your sight, eyesight, or it has to be a place where it is not visible, or it is difficult to get. बराबर। And इसी के ऊपर और एक बढ़िया सा example दिया है इन्होंने। They are saying जो environment है, that is your family, your friends, your group in which you are there, that is so very critical, इतना critical रहता है वो कि it can create even genius people. मतलब वो बोले ना, वो स्टेटमेंट है ना, जीनियस आर नॉट नीड नॉट बी बॉर्न, दे कैन बी मेड। तो उसका दो तीन एग्जांपल्स है कि जीनियस बनना है तो नॉट नेसेसरी कि यू शुड बी बॉर्न जीनियस, यू कैन बिकम अ जीनियस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड इसलिए वो एग्जांपल देते हैं कि देयर इज अ फैमिली वेयर देयर आर थ्री सिस्टर्स एंड इन दैट पर्टिकुलर फैमिली दे हैड एक्सपेरिमेंटेड कि दे विल क्रिएट जीनियस। तो पेरेंट ने क्या किया कि दे ब्रॉट बुक्स ऑन चेस, व्हेन द चिल्ड्रन वेर यंग दे यूज्ड टू कीप बुक्स ऑन चेस, दे यूज्ड टू रीड हिस्ट्री ऑफ द ग्रेट चेस प्लेयर्स, द चेस गेम वाज ऑल अराउंड, लॉट ऑफ मोटिवेशन टू डू प्रैक्टिस चेस, लर्न चेस, प्ले चेस, उसका काफी मोटिवेटेड एनवायरमेंट था। एंड व्हाट वाज फाउंड इज द फर्स्ट सिस्टर achieved the grandmaster position in suppose 14 years, but the second sister achieved it much earlier, and the third one became a grandmaster much earlier, even breaking the record of Bobby Fischer. And that child was leading for almost 21-22 years. So that is an मतलब क्या हुआ, माहौल जो environment में वो लोग को रखा गया था या जो environment में थे, that made them genius over a period of time. So how important is environment? So uske upar there is a lot of write up on that particular thing. Correct? So matlab na ye kafi kya hai, scientifically har ek cheez ka examples likha hua hai, and jaisa bola hai ki starting mein the book start of the book itself they mention ki it is based on many psychological research, scientific research, research on
human behavior, behavior pattern, behavior science, and this has been designed, and all the good points from these areas have been picked and modified and made more actionable. That is a very very important part. And इसमें काफी सारे बातें even is based on the some का बहुत लोग सुने होंगे कि there is a chemical reaction जो dopamine बोलते हैं हम उसको उस that generates that happiness, you know, happiness, the motivation, the pleasure, उसके ऊपर भी बात किया गया है and उसके ऊपर भी experiment किया गया है. So there also they are saying that triggers that, and ये जो dopamine का जो हम बात कर रहे हैं that creates that instinct to do certain things. जैसे अभी कुछ लोगों को जैसे बोलते हैं ना वीडियो गेम खेलने का शौक है, क्योंकि वीडियो गेम खेलने का शौक रहता है, दैट बोलते ना वो इतना उनको जो लेवल्स लेवल लेवल वन लेवल टू लेवल टेन या मेरे को 1000 पॉइंट्स मिला, मुझे 10,000 पॉइंट्स मिला, दैट ट्रिगर्स दैट डोपामाइन इन देम, दैट इवन द थॉट ऑफ प्लेइंग दैट गेम ट्रिगर्स दैट सो मच ऑफ प्लेजर इन देम, दे स्टार्ट प्लेइंग इट फॉर मेनी मेनी आवर्स विदाउट रियलाइजिंग. तो बोलते वही चीज, वही जो डोपामाइन का हम बात कर रहे हैं, इफ इट कैन बी डन फॉर a habit which you want to develop, then it will work in your favor. Acha wo kaise hoga, isliye bolo jo last part hai reward, aapko matlab bolte na aapne ek habit form kar diya to uska jo reward hai it has to create so much excitement in you that you say ki nahi ye habit to mujhe karna hai, but then the expectation of that reward has to be so high that your mind drives to fulfill that particular habit. So that is nothing but the expectation of that result, expectation of that reward pulls you to finish that. So that reward has to be very very motivating. That is another very important part which has been discussed in this particular book. Fine. And another very particular thing is like very interesting thing they have found is कि जैसा हमारा habits, अच्छे habits बनाने के लिए हम जो काम करते हैं उसी तरह जो bad habits है उसको निकालने के लिए reverse करना पड़ता है. जैसे good habits के लिए हम क्या बोल रहे हैं, the reward has to be very very exciting. The reward has to be super exciting कि we are pulled to do that. वैसी जो bad habits को निकालना है तो your mind or you are to develop that कि नहीं, if I do this, this is the disaster, this is the problem that will happen. That disaster or problem का जो understanding है, उसका जो impact का understanding है, उसका जो implication का जो understanding है, that trains your mind to not to do that. But then the demotivation वाला बात हो गया कि जो bad habit का जो bad habit है, जो भी habit आपको withdraw करना है, जो भी habit आपको निकालना है, जो भी habit का छुटकारा पाना है आपको. Like somebody you say, I am addicted to smoking, I don't want to smoke. So they think the understanding is if a particular person smokes, what will be the cause, the particular impact, वो impact जो है उसका जो असर है, उसका जो problem है वो इतना आपका understanding में आ जाना चाहिए, नहीं नहीं ये रहे, ये तो बहुत ही खराब हो रहा है. अगर आप वो खराबी का depth समझोगे तो automatically your brain will say no now I don't want to do that. So exact reverse हो गया. Motivate, the reward to do a good habit is so high that you are pulled to do that. Similarly, the understanding of the worst that can happen because of a bad habit will reverse that whole particular situation. That's very interesting part which has been discussed in this particular book. Fine. Then another very very interesting and practical thing which which I have read in this book as well as in many other books also, that
जो भी है, जो भी हैबिट आप फॉर्म करना चाहते हो, इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट, इट शुड नॉट बी लेंदी एंड इट शुड नॉट बी टायरिंग एंड यू शुड नॉट बी एक्सपेक्टिंग कि थिंग्स विल चेंज ओवरनाइट विद एन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। जैसे बोलते ना, आज मैं जिम गया तो देन यू कांट एक्सपेक्ट यू स्टार्ट जिम एंड योर बॉडी विल बी विद बाइसेप एंड सिक्स पैक, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, इट दैट्स अ प्रोसेस, इट विल टेक टाइम। सो यू हैव टू बी रियलिस्टिक विथ योर एक्सपेक्टेशन, दैट्स नंबर वन। एंड नंबर टू, इट हैज टू बी नॉट, इट शुड नॉट बी सच कि उसमें इतना एफर्ट लगने वाला है जो आप ज्यादा समय तक कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, वो भी नहीं करना चाहिए। लाइक अभी आप बोलते हो यस मुझे करना है, यू डोंट थिंक, यू डोंट प्लान, यू से यस आई विल डू जिम एंड यू आर सेइंग आई विल डू जिम फॉर 2 आवर्स, बट आपको भी पता है कि अगर आप फोरकास्ट करोगे तो मे बी यू कैनॉट कंटिन्यू जिम फॉर 2 आवर्स फॉर मे बी अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन योर लाइफ, मे नॉट बी, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो इफ यू फाइंड आउट नहीं नहीं आई कैन डू फॉर हाफ एन आवर फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन माई लाइफ, देन डू इट फॉर हाफ एन आवर ओनली। जोश जोश में पहले हमने 2 आवर्स कर दिया, फिर एक हफ्ते के बाद उसको 2 आवर्स से 1 1.5 आवर्स कर दिया, और एक हफ्ते में 1 आवर कर दिया, और एक हफ्ते में हाफ एन आवर कर दिया, फिर थोड़े समय बोला अभी करना ही नहीं। सो दैट इज रॉन्ग नो। सो द पॉइंट इज कि जो हैबिट हम बनाना चाहते उसमें जो एफर्ट है बहुत मिनी, मतलब लीस्ट होना चाहिए, मतलब ज्यादा आपका जो स्केड्यूल है उसमें ज्यादा परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, इजिली इनकॉर्पोरेटेबल है, सस्टेनेबल है, और पेशेंस है आपके पास उतना समय तक करने के लिए और उसका रिजल्ट का फायदा उठाने के लिए। गॉट इट? सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि नहीं तो हमारे पास क्या है, वी एक्सपेक्ट थिंग्स टू हैपन ओवरनाइट, हमको लगता है अरे अभी क्या असर ही नहीं आ रहा है, अरे आप अभी बहुत दिनों से तो मैं अच्छा क्या बोलते हैं, आई एम ईटिंग हेल्दी फूड बट आई एम नॉट फीलिंग एनर्जेटिक, इट टेक टाइम नो। जैसे वन ऑफ द मतलब लास्ट 1 or 2 years देर वॉज मतलब इन आर सर्कल इन आर टीम देर वॉज ट्रेंड और समथिंग अंडरस्टैंडिंग गोइंग ऑन, चलो अभी व्हाइट शुगर नहीं खाते हम, तो somebody said I have been doing for 3-4 years time and my energy level is very very high, so many people started following, so we'll stop white sugar and we'll see, 1 week mein they wanted to feel the change in energy, that was not going to happen, or you have to be super sensitive to know that minor change which has happened in 1 week's time, correct no? Kyun? Because simple sa reason hai, one of the very simple understanding and logical is ki aap suppose you are of you are 40 years old, so 40 years of life you have had white sugar and just 1 week you are saying the whole thing is reversed, not possible, difficult no? So jitna ek habit ko form karne mein samay laga utna hi usko reverse karne ko time lag jayega, khas karke the bad habits, because bad habits are easy to form, like eating junk food is easy because जो भी न्यूट्रिशनिस्ट है, जो लोग भी वो फूड डिजाइन किया है, दे आर डिजाइन्ड इट वेरी थॉटफुली कि आप खाओगे तो इट विल क्रिएट दैट प्लेजर इन योर माइंड एंड दैट प्लेजर विल सस्टेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसलिए बहुत सारा जंक फूड आप ये बुक में भी बुक में मेंशन किया कि बहुत सारे जो जंक फूड है ना वो कॉन्ट्रास्ट में होते हैं, जैसे सॉल्टी शुगरी क्रिस्पी एंड सॉफ्ट, करेक्ट, या एकदम ऐसा फिजी रहता है, पंजेंट रहता है। सो क्या करता है, दैट दैट जो इंटरेस्ट है ना आपका ऑफ ईटिंग दैट ही सस्टेन एंड दैट प्लेजर कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम,
जबकि जो नेचुरल प्रोसेस फूड्स है वो उसका जो क्या बोलते हैं, इट इज नॉट कॉन्ट्रास्ट फॉर्म, इट इज यूनिफॉर्म. सो दैट इज वाई द ब्रेन विच इज दैट, द एक्साइटमेंट विच इज देयर, दैट मे बी देयर फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर दैट दैट एक्साइटमेंट स्टॉप्स बिकॉज देयर इज नो फ्लक्चुएशन, नो देयर इज नो कॉन्ट्रास्ट फैक्टर. दैट इज वाई ईटिंग हेल्दी फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम रिक्वायर्स दैट कंपल्सिव रीजन कि नहीं माई हेल्थ विल बी गुड टिल वॉट एवर पॉइंट आई लिव हेल्दी. दैट मोटिवेशन हैज टू बी हायर देन द टेम्पररी फेस. फाइन, सो दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्टर देयर, करेक्ट. सो दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अनदर थिंग विच वॉज डिस्कस्ड वेरी नाइसली इन दैट बुक, कि कॉन्ट्रास्ट वाले रहते हैं. दैट इज वाई फॉर्मिंग गुड हैबिट इज डिफिकल्ट एंड लिविंग बैड हैबिट इज ऑल्सो डिफिकल्ट. एक का फॉर्मेशन डिफिकल्ट है, एक का रिमूवल डिफिकल्ट है, करेक्ट. एंड दैट इज वाई लाइक वन ऑफ द चैप्टर्स दे आर डेडिकेटेड टू से हाउ टू मेक गुड हैबिट्स इनएविटेबल एंड हाउ टू मेक बैड हैबिट्स इम्पॉसिबल. मतलब गुड हैबिट तो यू से इट्स इनएविटेबल, तो मेरा पार्ट ऑफ से ये तो छोड़ ही नहीं सकता हूँ. एंड दैट बैड हैबिट का जो डीमोटिवेट क्या होता है, उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो खराब असर है, वो आप में इतना इम्प्रिंट है, बोलते ये तो मैं कभी करूंगा भी नहीं. समझो ना, यू नो द डेंजर्स ऑफ स्मोकिंग एंड यू आर रेडी टू सच एन एक्सटेंट, यू हैव रेड केस स्टडीज, यू हैव सीन फोटोग्राफ्स, या इम्पैक्ट ऑफ दैट स्मोकिंग, जो भी कैंसर, माउथ कैंसर, वॉट एवर फोटोग्राफ्स, वॉट एवर इज देयर, दैट 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 डार्क इमेज ऑफ इट इज सो वेरी इम्प्रिंटेड. यू से नहीं, स्मोकिंग तो इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल एट ऑल. That is the impact which you are supposed to follow in that. And good habit जो है वो inevitable है. आप बोलते हो नहीं अभी ये मुझे करना ही है, बिकॉज उसका जो motive है, उसका जो reward है वो इतना high है, आप बोलते हो नहीं ये तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, उसका जो मजा है I will not leave. बोलते ना, वो once you form that habit of suppose meditating regularly, and once you have and you are tested that after, if I am meditating regularly for a long period of time, my way of handling situations, way of handling problems, my attitude towards problem, my attitude towards challenges, my way of dealing with challenges, if you have tested that success, then that pull is so high that you feel nahi, now I will not compromise on this. Isko main compromise nahi karunga, whatever may be the case. So you have to have that taste of both ends, at least if not tangibly, at least a perception of it is very very clear of yours. Fine, that is very very important part which has been discussed in this particular particular book. Fine. And another very important thing is, another very important learning from this particular book is ki many 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 people, majority percent of people, like they jaisa pata na abhi they read about healthy habits, they read about healthy food, they read about benefits of reading, they read about upgradations, बस उतना ही करते हैं. मतलब बोला ना, सिर्फ प्लान करते हैं या सिर्फ सोचते हैं, करते नहीं. बोला ना वो क्या बोलते हैं, the word used is motion no action. What is motion? Motion is every time you think, अच्छा what is healthy food, benefit क्या है, रीडिंग करोगे अच्छा क्या होगा, मेडिटेशन करूंगा अच्छा क्या होगा, अपग्रेडेशन करूंगा अच्छा क्या होगा, ऐसा आप करते हो या इंक्वायर भी करते हो, मुझे क्या अपग्रेडेशन करना चाहिए, मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्या फीस है उसका, उतना तक छोड़ देते हो आप. सर ये और यू टॉक अबाउट, यू जस्ट से बता ना, यू गो टू द जिम, इंक्वायर इन द जिम, फाइंड आउट
You get the fees, you get the plan, you read, and you again stop. Whatever may be the reasons, you don't do it. So every time you set things rolling, but no action in it. And if there is no action in it, then obviously there will be no effect of it. So every time that teaser sort of a thing is happening, only teasing is happening, but no action. There is no implementation strategy. Correct? Why? Because and why it is so critical? Because now there is no shortage of knowledge. There is no shortage of knowledge. There is no shortage of technique. There is no shortage of tools. There is no shortage of reading materials. The shortage is of implementing those things. So that is the key. And implementation karna hai, so it has to be in a small way. Any implementation has to trigger from baby steps. That will bring that long term impact. It is also close to on a one level of understanding mein, it's also close to something we call it as Kaizen technique. That is also small step, small changes. No, Kaizen is small changes. Chota changes karte. So one small change followed for period of time. Correct? But start that change. That is the whole perspective here. ठीक है. सो जस्ट टू समराइज आवर डिस्कशन ऑन दिस पर्टिकुलर बुक, समरी करते हैं हम. तो समरी करेंगे तो वन, नंबर वन, लाइक फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाट यू वांट टू चेंज, व्हाट यू वांट टू, व्हाट इज द प्रॉब्लम. You call it as change, you call it as problem, whatever, identification, awareness. Second, reasons. What is the reason? Why am I doing it that? Why am I doing it or why am I not doing it? That's the second. Third, how do I respond to it? Once you know what is the problem, once you know the reasons for it, how do I solve it? What steps will I take? And fourth, what is the motivating factor for me to do that? That's the fourth part. Okay? So that is the whole summary of this particular discussion. And as they say, it has to be on a small baby step. Important. Have patience. Takes time. Do it slowly. Do it for a continuous basis to get that desired big result. Fine. I hope this discussion has helped you and is one of the reasons to read this book and implement it and see the changes in you. Okay. Bye. See you all next time. Bye bye.